फैन, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आप सभी को पता है कि मैं बहुत दिनों से पबजी मोबाइल की लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं ज़्यादातर पीसी स्ट्रीम कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं पबजी मोबाइल खेल लेता थोड़ा बहुत अच्छा, बट स्टिल मैं पबजी मोबाइल की स्ट्रीम वगैरह नहीं करता। तो ओनली रीज़न कि भाई देखो, पबजी मोबाइल या फिर जो पबजी मोबाइल के जितने भी क्रिएटर्स हैं, टेंसेंट वगैरह जो भी हो गया, वो सब के सब आजकल सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उन लोगों को गेम प्ले से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग पबजी मोबाइल को इतनी शिद्दत से खेलते हैं, उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। उन लोगों को सिर्फ मतलब है पैसों से। वो लोग हमेशा नए नए स्किन्स लेके आएंगे, नए नए ऑफर्स लेके आएंगे। गन के स्किन हो गए, कपड़े के स्किन हो गए, कैरेक्टर के स्किन हो गए, बस यही सब करते रहते हैं। नए नए ऑफर्स हो गए, बस वही सब करते रहते हैं ताकि हम लोग पैसा अपना अपना बर्बाद करते रहे उसमें। बट इसके बदले हमें क्या मिलता है? हमें कुछ भी नहीं मिलता। ना तो एक अच्छा स्मूथ गेम प्ले हम लोग को देखने मिलता है। जो चीज़ डिफ्रेंशिएट थी, अगर आप देखोगे, जो पहले ये गेम जैसी थी वैसी अब ये गेम रही नहीं। ठीक है, ये गेम हो गई है बहुत बोरिंग। एंड जितने भी लाइक लैग्स वगैरह हो गया, कुछ भी फिक्स होता नहीं है। कितनी भी आप बोल लो, कितना भी आप समझा दो पबजी मोबाइल वालों को, बट वो लोग लैग फिक्स नहीं कर रहे। सेकंड थिंग जो कि मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट है वो है हैकर्स का। हम लोग एक्चुअली हो चुके हैं परेशान हैकर के साथ, एंड स्टिल पबजी मोबाइल वाले उस चीज़ को लेके कुछ नहीं करते, जबकि हर एक चीज़ आंखों के सामने है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप रैंकिंग्स में चले जाओगे ना, एशिया सर्वर अगर आप स्क्वाड चूज़ कर लो, ठीक है, एंड अब देख लो सिर्फ, ठीक है, ये स्टैट्स देखो, 77 की KDA, 469 मैच में 404 मैच जीता हुआ है। सेकंड बंदा स्टैट्स देख लो, 81.75 की KD, ठीक है। थर्ड बंदा उसकी स्टैट देख लो, 131.79 की KD है, ठीक है। फोर्थ बंदा 47.74 की KD है। अगर आप ऐसे ही आप नीचे चलते जाओगे, आप जितना नीचे जाओगे उतने आपको भरे पड़े मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हैकर्स। एंड ये जबकि रैंकिंग इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये क्लियरली अपने को रैंकिंग इसमें दिख रहा है, बट स्टिल ये चीज़ भी जो है पबजी मोबाइल वालों को नहीं दिख रही है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हो रही है अभी क्रू चैलेंज, ठीक है। आप सभी को अगर पता होगा कि जितने भी चैलेंज होते हैं, मैं तो बोलता हूँ जितने भी चैलेंज होते हैं, हर एक चैलेंज में, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, हर एक टूर्नामेंट्स में हमें हैकर्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज एक रीज़न है उसकी चीज़ के, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो क्वालिफिकेशन वगैरह होता है, वो आप घर से करते हो। एंड पबजी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे वो लोग पकड़ पाएंगे अगर आप हैक कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। लिटरली उन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप घर पे क्वालिफाई करना चाहते हो किसी भी टूर्नामेंट में, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। भले ही आप क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे जाकर आप हक दो लाइफ पे, बिकॉज जो बाकी की चीज़ें होगी वो तो लाइफ पे होगी, भले ही आप वहाँ पे जाकर हक दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्वालिफाई करने के लिए आप हैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। पबजी मोबाइल वाले डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड आप आराम से एक टीम में दो बंदे आप रहो, दो बंदे हैकर्स रख लो, एंड देख लो आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी फिलहाल जो है क्रू चैलेंज चालू है, ठीक है, एंड क्रू चैलेंज में टोटल 74 पब्लिक आती है, एंड जितने पब्लिक आते हैं वो सब रियल बंदे होते हैं, कोई बॉट्स वगैरह नहीं होता, ठीक है। पूरे 100 जैसे लोग आते हैं क्लासिक में, वैसे नहीं है। क्रू चैलेंज में सिर्फ 74 लोग आते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि 6 मैच अभी तक हुए हैं, एंड लोगों की किल्स देखो, 244, 223, 213, 209, 215, 200, ऐसे 180, 190, ठीक है, ऐसे किल्स हैं सबके, ठीक है, 175। अब समझो जिसके 240 किल्स है, वो लगभग 40 किल्स ले रहा है पर मैच, ठीक है। हर एक मैच में वो 40 किल ले रहा है। आउट ऑफ 75 दे आर किलिंग 40 पीपल, मतलब हाफ, 50% से ज़्यादा, लगभग 50% किल्स ये लोग कर रहे हैं। जिसके 180 किल्स भी हुए ना, वो भी 30 किल का एवरेज ले रही है, 30 किल्स आउट ऑफ 75। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप क्लासिक मैच भी जब खेलते हो तो भी बहुत मुश्किल से आपको 30 किल देखने को मिलता है, 20-22 किल भी आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, जबकि वहाँ पे बॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियल बंदे हैं, एंड आप 30-40 किल्स ले रहे हो पर मैच।
मैं अगर आपको अपनी एग्जाम्पल भी दूं तो देखो, क्रू चैलेंज में सब टीम आती है जीतने के लिए, ठीक है? तो जब तक आपको लोकेशन पता नहीं होगा, मतलब जब तक आप गेम खत्म करने जाओगे ना, लाइक अगर आप किसी भी हॉट ड्रॉप भी कर लो, आप पोचिंग के में उतरो, आप लाइक मिलिट्री बेस में उतर उतर जाओ, या फिर कहीं भी उतर जाओ, हॉट ड्रॉप कहीं भी कर लो आप, ठीक है? आपको मुश्किल से एक या दो टीम मिलेगी, हॉट ड्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, मुश्किल से एक या दो ड्रॉप, एक या दो टीम। एंड अगर आप वहां से फाइट कर लिए, वहां से आप जीत ले, फिर आप वहां से निकलोगे, आप पब्लिक ढूंढते रह जाओगे, आपको मुश्किल से पब्लिक मिलती है, आपको पब्लिक ढूंढना पड़ता है कि भाई कैसे हम लोग पब्लिक को मारे ताकि हमें किल्स मिले। अभी इन लोग को 30 किल्स कैसे मिल रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं, जब तक आपको लोकेशन पता नहीं है कि पब्लिक किधर है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको उतने किल्स मिलेंगे, ठीक है? मुझे पता होगा कि भाई यहाँ पे पब्लिक इतनी है तो मैं पुश करके मार सकता हूँ, बिकॉज एज ए हैकर मुझे पता है कि वहाँ पे कितनी पब्लिक है एंड कितने सारे लोग हैं। अब मुझे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे तो सब जितने भी हैं जिनके 180+ किल्स है, मैं जिसके 130, 136, 140, 150 किल्स तक मैं हैकर नहीं बोलूँगा, मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्ली हो सकता है, बट 180 पर मैच मैं नहीं मान सकता, मैं लिटरली नहीं मान सकता कि आप 30 या 40 किल्स पर मैच ले सकते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल मेरे हिसाब से, ठीक है? आप एक मैच में 40 किल ले सकते हो प्रॉब्ली, दो मैच में ले सकते हो प्रॉब्ली, बट कोई ना कोई आपका मैच खराब जाएगा ही जाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। आप बोलोगे मेरे को हर एक मैच मेरा अच्छा जाएगा, हर एक मैच में मैं 30 किल लूंगा ही लूंगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है? दैट इज माई थिंकिंग। तो ये भी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी हैकर्स हैं, रैंकिंग में भी हैकर्स है, बट पबजी मोबाइल वाले करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो लोग बस मजे ले रहे हैं अपने। ये देखो, ये कॉस्ट्यूम्स वगैरह, प्राइम प्लस वगैरह, 70% ऑफ, आप क्रेट्स पे चले जाओ, बस ये लालच, ये बस ये लालच दिखाएंगे गन्स स्किन्स वगैरह की, एंड हम लोग अपने अपना पैसा वेस्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों में, बाकी मिलता हमें कुछ भी नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। सो गाइस प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? इस वीडियो को आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब मेरे चैनल करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट एक एक शुरुआत करते हैं कि पबजी मोबाइल को हमें हैरेस करना है, ठीक है? हम उनको हैरेस करेंगे अब, बिकॉज हमारा पैसा लगता है यार, और इंडिया में तो हम लोग इतने इतने लाइक पागल हैं पबजी मोबाइल के लिए, तो इंडिया वालों के लिए तो एटलीस्ट कुछ करना चाहिए, इंडिया वालों को, मतलब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, बिकॉज हम लोग इतने क्रेजी जब हो चुके पबजी मोबाइल के लिए, तो चलो थोड़ी सी और क्रेजीनेस बढ़ाते हैं, करते हैं पबजी मोबाइल को थोड़ा सा पागल। इस वीडियो का आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो, एंड पबजी मोबाइल का जहां पे भी आप हो सकता है, पबजी मोबाइल का इंस्टाग्राम हो गया, पबजी मोबाइल का ट्विटर हो गया, पबजी मोबाइल का फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जहां पे भी हो सकता है वहां पे जाके स्पैम करो #banhackers, ठीक है? #banhackers आपको हर एक जगह ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, पबजी मोबाइल वालों को परेशान करना है। इन शॉर्ट, अगर आप इसको ट्रेंड पे ला सकते हो, 1 to 10 ट्रेंड पे भी आ गया है ट्विटर पे, इट विल बी अ ब्लास्ट, ठीक है? वो लोग पागल हो जाएंगे, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर वो ट्विटर पे ये थोड़ा भी ये हो गया, लाइक ट्विटर पे ये थोड़ा भी चल गया ना, अगर 1 to 10 में भी आ गए ये हैशटैग, तो समझ लो पबजी मोबाइल वाले परेशान हो जाएंगे। सो गाइस लेट्स गो, लेट्स रन दिस, लेट्स डू दिस एज अ फैमिली, एज टुगेदर। जितने भी लोग क्रेजी हो पबजी मोबाइल के लिए, उन सभी के लिए बोल रहा हूँ गाइस, ये आप ही सबको लिए है। अगर आप लोग करोगे कुछ अच्छा, तो आपके आपके लिए कुछ अच्छा करेगा फिर पबजी मोबाइल वाला भी। तो #banemulators हमें चलाना है, जितना चला सकते हो उतना चलाओ, जितना दौड़ा सकते हो उतना दौड़ाओ, एंड हो सकता है जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो इस वीडियो को। सो गाइस वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, एंड लव यू ऑल गाइस एज ऑलवेज, पीस आउट।